नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर और फ्रेंड्स में। आज आपको बताऊंगा जो हमारा DJI का मैविक 3 है, इसके बारे में, इसको कैसे उड़ाते हैं, इसका ऑपरेशन कैसे है, क्या कुछ है, ये सारे वीडियो इसी के बारे में, इसको कैसे चलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसको एसेसरीज बता देता हूँ आपको, इसके साथ क्या क्या है। फ्रेंड्स ये हमारा ड्रोन है पूरा। इसमें फ्रेंड्स ये बैटरी 3 आती है कि इसके अंदर लगी है, मैंने अभी लॉक कर दिया। पहले मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स इसको हम खींचेंगे तो ये खुल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। ये फ्रेंड्स ये ड्रोन निकल गया। उसके बाद फ्रेंड्स इसको खोलने का सबसे पहले कि जो एक वाला फ्रेंड्स ये सीधा खुलता है, इसको पहले सीधा खोल लेंगे हम। फर्स्ट में सीधा खोलेंगे इसको, ये यहाँ से सीधा खोल लेंगे हम ये दूसरा वाला। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा है, जो दूसरा है फ्रेंड्स हमारे पहले ऊपर आता है नीचे की तरफ, उसके बाद वो सीधा होता है ये ऐसे ये। अब फ्रेंड्स हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। ये फ्रेंड्स हमारा ड्रोन खुल गया है और इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर बैटरी लगती है। बैटरी का ये पोर्ट है, यहाँ से बैटरी लगती है। ये मैं दूसरी लगा के देख लेता हूँ, इसकी ये डिस हो गई है, ये इसकी हम दूसरी बैटरी, जो इसकी कट है वो ऊपर की तरफ रहते हैं, तो आपको दिख जाएगा उल्टा लगेगी नहीं वैसे। ये दब के लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। ये लॉक के जब इसको निकालना होगा तो हमको यहाँ से दबाना होगा, ऐसे निकल जाएगा। मैं इसको लगा देता हूँ दोबारा, लग गया टाइट होनी चाहिए। उसके बाद हम फ्रेंड्स इसको एक बार ऑन करेंगे तो इसमें चार्ज थोड़ी कम है, चल जाएगा, मतलब 1 मिनट कम है, चल जाएगा और इसमें दिखा देगा फ्रेंड्स। इसके साथ जो बैटरी आती है वो 3 बैटरी आती है टोटल। और फ्रेंड्स ये इसका चार्जर है, इसमें लगाने के लिए हम इसको जो ये हमारी यहाँ पे ग्रिप दे रखी है इसको फ्रेंड्स इसकी तरफ कर देंगे और ये ऐसे चार्ज लगा देंगे। तीनों को एक साथ भी लगा सकते हैं। और ये तीसरी बैटरी भी है इसको चार्ज लगाने के लिए। ये इसका चार्जर है, इसमें सी टाइप है यहाँ पर, और इस सी टाइप में फ्रेंड्स हमको ये यहाँ पर लगा के चार्जर को इससे लगा सकते हैं। ये चार्जर का काम हो गया फ्रेंड्स। ये एक्स्ट्रा डाटा केबल दे रखी है जो इसमें हमारी है, इसमें लग सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके साथ ही केबल आ गई है। केबल ये स्पेयर में है, जो हमारे जो मोबाइल वगैरह हम यूज़ करते हैं, मोबाइल को देखने के लिए वीडियो वगैरह उसमें अटैच करने के लिए ये केबल होती है। इससे इसकी जो जॉयस्टिक है इससे लगने के बाद इसमें लगती है, वो मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद फ्रेंड्स ये स्पेयर में इसकी ये आती हैं, इसकी जो पंखड़ी है ये आती है, ये इसमें हम इतनी सारी दे रखी है। और स्पेयर में फ्रेंड्स इसकी जो दो नोब आती है, ये दो नोब जो इसके जो स्टिक के वो यहाँ पे रहते हैं। इसको निकाल के फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे। और फ्रेंड्स इसको चार्ज करने के लिए भी वो डाटा केबल है, इस डाटा केबल को लगा के हम दोनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इसको भी चार्ज कर सकते हैं और साथ में बैटरी भी चार्ज होती रहेंगी दोनों को एक साथ करने के लिए। दूसरा भी फ्रेंड्स हम यहाँ से ऐसे ही निकाल के ये यहाँ से कर लगा देंगे इसको। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें क्या है कि ये जो है इसको बाहर खींचना है और इसमें ऐसे यहाँ पे हम मोबाइल लगा देंगे। उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक डाटा केबल है, आपको नीचे दिख रही होगी, यहाँ पे एक डाटा केबल है। और दूसरा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आपके पास सी टाइप लगानी है आपको या नॉर्मल लगानी है, ये दोनों देखो फ्रेंड्स। ये एक माइक्रो USB है जिसको बोलते हैं ये वाला, और एक तरफ सी टाइप है क्योंकि इसमें एक तरफ सी टाइप लगता है। अगर दोनों सी टाइप है तो वो इसमें लगी हुई है। अरे आपको फिर एप्पल में लगानी है, एप्पल के फ़ोन के लिए ये है, ये एप्पल के फ़ोन में लग जाएगी आईफोन में, और ये सी टाइप लग जाएगा। अभी जो हमारा फ़ोन है वो नॉर्मल इसमें सी टाइप लगता है, तो वही केबल इसमें लगी हुई है। मैं इसमें से एक साइड से यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें ये रेफरेंस ये यहाँ से निकाल लिया, इसमें से ये दोनों पोर्ट आपको दिखते होंगे, ये इसमें से निकाल के अब मैं यहाँ पर फ़ोन लगा दूँगा और दूसरी साइड में हम ये लगा देंगे, ये हमारा लग गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे कि जो हमारा पावर बटन है वो दिक्कत ना दे। उसके लिए फ्रेंड्स हमको एक ये DJI Fly की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में। उसके बाद फ्रेंड्स हम आप चलते हैं आउटडोर में और वहाँ पे इसको चला के देखते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम आ गए आउटडोर में, थोड़ा ध्यान रखें कि थोड़ा खुला हुआ हो क्योंकि ये दिखाता रहता है 5-10 फुट का जो गैप हो, बट मैं चला सकता हूँ इसको, थोड़ा आइडिया है कि कैसे है। तो फ्रेंड्स इसको चलाने से पहले इसको यहाँ से ऑन करेंगे, इसका पावर ऑन बटन है ये वाला, इसको एक बार ऑन करेंगे और दोबारा प्रेस एंड होल्ड करेंगे, ये फ्रेंड्स वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा और एक साउंड भी करता है, तो इसका मतलब ये ऑन हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने इसमें आएंगे जॉयस्टिक में, जॉयस्टिक में फ्रेंड्स पहले हम अपना इसको भी ऑन कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम अपने जो DJI की ऐप है हम इसको ओपन करेंगे और पहले बैक कर लेता, मैंने पहले खोल रखा था इसलिए दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कनेक्शन गाइड में भी जा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हमारा DJI Mavic 3 है, तो इसमें दिखा भी देगा कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स पहले ये निकाल के हमने लगा लिए, उसके बाद ये इसको निकाल के कैमरा लगाना है और उसको ऑन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये लिख रहा है शॉर्ट प्रेस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है शॉर्ट प्रेस रिमोट कंट्रोल पावर बटन एंड देन प्रेस एंड होल्ड, पहले एक बार दबाना है फ्रेंड्स हमको ये बटन, फिर थोड़ा लॉन्ग दबा के रखना है। यहाँ से साउंड आएगी आवाज़ वो, उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ पर भी यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाएगा। और देखो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कैमरा दिखना शुरू हो गया है आगे का, तो उससे कनेक्शन इसका हो गया है। तो और दूसरा फ्रेंड्स इसमें भी ब्लिंक करना शुरू कर देता है ग्रीन वाला, ये वाला तो हमें पता चल जाता है। अब फ्रेंड्स मैं इसको उड़ाता हूँ, उड़ाने के लिए फ्रेंड्स क्या है हम इन दोनों को ऐसे करेंगे, वी बनाएंगे, तो उसके बाद ये टेक ऑफ बोल देगा। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये वाली जो जॉयस्टिक है ये ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब नीचे लाना है कि ड्रोन को तो इसको नीचे करना है और ऊपर करना है तो ये करना है। अभी मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ, ये फ्रेंड्स बंद हो गए, इसको हम इस वाली की को बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो चलाने के लिए दोबारा यही करना है हमको, पहले मैं इसका मेन्यू समझा देता हूँ आपको, इसमें बटन्स का क्या क्या काम है। इसको ऊपर नीचे हम जो करते हैं इसका मतलब ड्रोन को नीचे लाना है और ऊपर लाना है, और जो ये वाला बटन है फ्रेंड्स ये हमको मूवमेंट करनी है लेफ़्ट राइट। अब लेफ़्ट राइट का आपको कैसे कंसिडर करना है कि आपका जो कैमरा है, कैमरा आपका आगे रहना चाहिए, तो आपके आगे कैमरा रहेगा। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैमरे का जो इसमें कैमरा लगा हुआ है, ये ड्रोन में जो कैमरा है इधर की तरफ लगा हुआ है आगे, वो इसका मुंह आगे की तरफ होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे ये, तो मैं इसको मूवमेंट को इधर करूँगा तो ये ड्रोन इधर की तरफ आएगा, अगर उधर करूँगा तो आगे की तरफ जाएगा। अगर बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि आपका ड्रोन घूम गया है, आपका ड्रोन का मुंह सपोज ऐसे आ गया है यहाँ पे, और आप फिर इसको इधर करोगे तो वो फ्रेंड्स इधर नहीं जाएगा, वो इधर जाएगा, तो उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो आपको ड्रोन का कैमरा है उसको आगे की तरफ रखना है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो फ्रेंड्स ये मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ जो मुझे दिक्कत ना हो। और उसके बाद फ्रेंड्स ये बटन मैंने अभी यूज़ करके देखे नहीं है, बीच वाले इनको हम देख लेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स ये रिकॉर्डिंग शुरू होती है ये वाले, और ये जो कैमरा है ये वाला, ये जो स्क्रॉल टाइप का दिखा रखा है ये जूम इन जूम आउट का है। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको उड़ाता हूँ, तो फ्रेंड्स मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ, ये टेक ऑफ उसने बोल दिया, तो उसको उड़ाने के लिए अब मैं इसको फ्रेंड्स आगे की तरफ कर रहा हूँ, देखो फ्रेंड्स आगे जा रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा वगैरह रहता है जैसे कैमरे में दिखा रहे होंगे आपको, ये ऐसे घुमाने के लिए। अब मैं इसको सीधा कर लूँगा तो ये सीधा है, अब मैं उसको लेफ्ट करना है राइट करना है तो इसी जो स्टिक से काम होगा, और मैं इसको ऊपर उड़ाता हूँ उधर भी। ये फ्रेंड्स इसकी एक और खास बात है दिखाने की, ये जैसे ही इसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे फ्रेंड्स ऊपर दिखाना उसके नीचे जाएगा, देखो दिखा देते फ्रेंड्स इधर ये दिखाना शुरू कर दिया इसने कि यहाँ पर ये लगने वाला है, तो इसने यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया है। अगर फोटो खींचने तो इसमें एक बार टिक मारेंगे तो फोटो खींच जाएगा। अब मैं फ्रेंड्स इसको और नीचे लाता हूँ भाई, ये रहा। और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करनी है तो मुझे यहाँ से करना है, यही फोटो खींचना वीडियो का,
हाँ, ये स्विच करने के लिए अब ये फोटो खींच रहा है, ये फोटो खींचने के लिए। अब मैं दूसरा स्विच कर देता हूँ इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। इसकी फ्रेंड स्टोरेज हमारी फुल हो गई एक्चुअली, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। मैं आपको पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है वो आपको दिखा दूँगा। हमें फ्रेंड्स इसको उठाते हैं आगे। फ्रेंड्स ये देखो कैमरा का जो हमारा कैमरा यहाँ पे उठ रहा है, ये उठ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसकी जूम क्वालिटी। ये फ्रेंड्स इसको तो आप देख रहे होंगे, ये नीचे ऊपर हो रहा है। मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, इस वाली की को, इधर वाली की को नीचे कर रहा हूँ, तो ये इसका कैमरा ओनली नीचे ऊपर हो रहा है। ये फ्रेंड्स 90 डिग्री तक आ जाता है नीचे, और मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये ऊपर तक चला जाता है। ये अब इसका कैमरा ऊपर जा रहा है सामने, ये आपको जहाँ सेट करना है वहाँ कर सकते हैं। अगर इधर उधर घुमाना तो इस जॉयस्टिक को, इसको आप जैसे घुमाओगे तो उधर घूमेगा। देखो मैं जैसे घुमा रहा हूँ ऐसे घूम रहा है। तो मैं फ्रेंड्स अब इसको लाता हूँ और बंद करता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। ये फ्रेंड्स यहाँ पे बीप करना शुरू कर दिया है नज़दीक आ रहा है, कोई नहीं हमें पता है कहाँ रहा है। ड्रोन को पहले वाला था, दूसरा साइड देखा ना, दोनों कोई कर अरे फ्रेंड जब नीचे जाता है इसको नीचे जाते हैं तो इसको वही बंद करने का तरीका, मैं इसको नीचे बिल्कुल धीरे से ये बंद हो गया। यहाँ पे दोनों को ऐसे कर देंगे बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो आज का, मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ। यही था वीडियो आज डीजे मैविक 3 का। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई कमेंट्स सुझाव है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।